माई चैनल और मैं आज लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप आपके बिना प्लक की आईब्रो को कैसे परफेक्ट और शार्प शेप दे सकते हैं थ्रू योर मेकअप ट्रिक्स। सो फर्दर एनी डू लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। और जो भी मेरे चैनल में नए आए हो तो उसके लिए मैं बता देती हूँ कि मैं अंकिता हूँ, अंकिता घोष, और ये मेरा चैनल है जिसमें मैं ऐसे ही बहुत वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए हैं, हेल्पफुल लगे हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन भी प्रेस कर देना क्योंकि यूट्यूब मुफ्त में नोटिफिकेशन तक नहीं भेजती। सो लेट्स जंप इन द वीडियो। सो आपको इस आईब्रो को बनाने के लिए लगेगा एक कंसीलर, और अगर आपके पास आईब्रो किट है तो वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इसी पैलेट से, जो कि बहुत ही फेमस पैलेट है, टेन वाइल्ड कलर आइकॉन रोज इन द एयर, और मैं इसमें से ये वाली सेट लेने वाली हूँ। और उसके बाद हमें लगेगा ये ऐसे एक शार्प एंगल्ड ब्रश जिसमें से अभी भी ऐसे उड़ रहा है, और उसके बाद लगेगा एक कंसीलर जो कि ये मेरा पास है डार्लिंग इसाबेला का, कौन सा है, 02, जो कि बहुत ही किफायती और बहुत ही एक अच्छा कंसीलर है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक स्वाच देती हूँ क्योंकि अब तो वीडियो में देखने वाले हैं ही, फिर भी हम कंजूस है यार, ज्यादा वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो देख लीजिए, ये है मेरा 02 सेट। ओके, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और पहले ही मैं थोड़ी सी लगा चुकी हूँ क्योंकि कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी, और मैं भुलक्कड़ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे हम कंसीलर से ही अपने आईब्रो का जो आउटर लाइन है वो ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आईब्रो, जिनका आईब्रो प्लग नहीं होता है उनका उतना शेप में नहीं होता है, तो फिल इन करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे करें क्या करें पता नहीं चलती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसीलर से पहले आउटर लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि एक परफेक्ट आईब्रो नज़र आएगा, और फिल इन करना बहुत ही ईजी होगा, आप खुद ही देख लीजिए। टाइमिंग है उसे स्पीड में किया है क्योंकि इतना लेंदी हो जाता आप देख भी नहीं सकते थे, तो इसके लिए हमने थोड़ी सी शॉर्ट करने की कोशिश किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप पूरा देखिए क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको, मैं ये क्या समझा रही हूँ, ओके हो गया आप देखिए कि कैसे परफेक्ट शेप नज़र आ रहे हैं। और लेकिन अब लग रहा है कि आप जो भी होगा, चाहे वो प्रैक्टिस किया हो नहीं प्रैक्टिस किया हो, आप हो मैं हूँ, कोई भी आईब्रो को फिल इन कर सकते हैं क्योंकि एक परफेक्ट आईब्रो हमें नज़र आ रहा है। और आईब्रो, हाँ, यहाँ से मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ क्योंकि ब्लैक कलर जो है उससे हम अगर आईब्रो को फिल इन करेंगे तो बहुत ही बियर्ड लगेगा, मतलब कि पता नहीं कैसे अजीब और गरीब लगेगा, भूत टाइप लगेगी। और कभी भी एंडिंग से आईब्रो नहीं स्टार्ट कीजिए, हमेशा मिडिल लाइन से आईब्रो को स्टार्ट करना है क्योंकि मिडिल लाइन से ही आईब्रो जो है वो उनका ग्रोथ कम होता है, तो वहाँ पे आपको ठीक तरीके से आईब्रो को फिल करना है। उसके बाद जो है आपको जो प्रोडक्ट जो आपकी ब्रश में बची कुची होगी उससे ही आप अपनी जो एंडिंग है नोज़ की तरफ उसे फिलिंग कर सकते हैं, और वो बहुत ही आसान तरीका है। और आप ये क्या कर रही हूँ मैं, ओके हाँ
हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं लाइट की जो फोकस है उनकी तरफ ही मैं मेरी मिरर को पकड़ी हुई हूँ। मेरी मिरर बहुत ही क्यूट सा है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है मिरर। लेकिन क्या है ना, मिरर मेरे जो है वो उनकी वहाँ से निकल गई है, उसे फिर से चिपकाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। और हाँ, आप देख लीजिए। हाँ, अब आप लाइट की फोकस जो है वो ठीक ठाक आ रही है, और मेरी हिंदी वैसे भी चल जाती है यार, एकदम परफेक्ट तो है नहीं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और इधर देखिए कि दोनों आईब्रो में कितना डिफरेंस है, आपको दिख जाएगा। एक आईब्रो जो है वो बहुत ही परफेक्ट एकदम शार्प तरीके की लग रही है, और दूसरी तरफ जो बिना फिल किया है वो कैसे लग रही है। और फिल करना बहुत ही इजी है। मैं चाहती तो इसे कट कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि कट करके आपको दिखाए, क्योंकि आपको उनमें क्या है उसमें समझ नहीं आएगी कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो पूरा वीडियो देखिए, और अगर आप 2-3 मिनट एक्स्ट्रा देख भी लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी यार। आप कौन सी क्या ऐसे काम हैं जो 2-3 मिनट में नहीं होगा। जो देख रहे हैं वीडियो उनके पास तो इतना टाइम होगा ही, और खुद को खूबसूरत करने के लिए 2-3 मिनट क्या है यार, 2-3 घंटे भी क्या है। यहाँ पे हमारे दोनों जो आईब्रो हैं वो फिल इन हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि कैसी परफेक्ट आईब्रो बन चुकी है। और यहाँ पे मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी जो कंसीलर है उसे हम थोड़ा सा जो है ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि जब हम फुल फेस मेकअप करेंगे तो ये कंसीलर हमें लगेगा ही, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले हम कंसीलर को ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद ही फुल फेस मेकअप होगा। तो उसके लिए आप एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसे डैब डैब करके ब्लेंड कर लीजिए, और आप देख सकते हैं कि कैसी लाइक मैजिक की तरह एक परफेक्ट आईब्रो बन चुकी है। आप भी कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि कैसे हुआ है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो करीब करीब एंड तक पहुँच ही चुकी है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप देख पाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगी। और हेल्पफुल रही तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम तो आपके लिए ही इतने सारे कोशिश करते हैं कि आपको कैसे खूबसूरत दिखाया जाए। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो वो पास वाली घंटी है उसे भी थोड़ी सी बजा देना, ताकि आप हर एक नोटिफिकेशन पा सके मेरी वीडियोस को, और मेरी टूटी फूटी हिंदी आप सुन सके। हाँ, अब देखिए मैं कैसी समझा रही हूँ, फुल फेस मेकअप। ओके ओके, सो टिल देन बाय। और